नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अब तक तो सब लोग ग्राफिक कार्ड सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह जान ही चुके होंगे। इतनी सारी वीडियोस बन चुके हैं यूट्यूब पे कि क्रिप्टो करेंसी की वजह से ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस डाउन जा रहे हैं, अब ये हो जाएगा, अब तो ग्राफिक कार्ड होंगे मार्केट में। बट ऐसा नहीं है गाइज। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन से ग्राफिक कार्ड आपको ले लेने चाहिए और कौन से कार्ड से आपको कोसों दूर रहना चाहिए। मतलब कि अगर आप वो कार्ड्स ले रहे हो तो इससे अच्छा वो पैसा अपना जला दो, क्योंकि आप वो कार्ड्स लेके इन द फ्यूचर काफी ज्यादा पछताने वाले हो। तो इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से नए कार्ड्स है जो मार्केट में आ रहे हैं एक साल के अंदर, 2022 में कौन से नए कार्ड्स आप देख सकते हैं, और कौन से वो कार्ड्स हैं जो आप लेकर बिल्कुल भी रिपेंट नहीं करेंगे, चाहे आप अभी लें चाहे आज से एक महीने बाद लें। ग्राफिक कार्ड की सिचुएशन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो में जरूर जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखना और कहीं मत जाना। वी'ल बी राइट बैक। तो गाइस, ग्राफिक कार्ड की सिचुएशन अभी कैसी है या आज से एक डेढ़ महीना पहले कैसी थी या आज से एक डेढ़ महीना बाद कैसी होने वाली है, ये आप सबको पता ही है कि आज से डेढ़ साल पहले जो सिचुएशन थी आज भी वही सिचुएशन है। कुछ सुधार नहीं है। एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम्स ये हो चुका है कि हमें कई बार खबर आई है कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो रही है, ये हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडिया में, चाइना ने ये कर दिया, चाइना ने वो कर दिया। कुछ नहीं, ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस टस से मस हैं, हिले भी नहीं है। चाहे आप अभी की बात कर लो, आपको 1660 Ti, 1660 सुपर जैसे कार्ड अभी भी 50-55 हजार की रेंज में ही मिल रहे हैं। तो ये वो रेंज है, जब आप ये समझ लो सिचुएशन तब अच्छी होगी जब आपके ये जो बजट कार्ड, जिसको आप 1660 सुपर को बजट कार्ड्स मानते हैं, ये वाले जो कार्ड्स हैं आपके अप्रोचेबल रेंज में आ जाएंगे, 25-30 या 32-35 हजार तक की रेंज में भी आ जाएंगे, तब भी मैं कह सकता हूं कि अब थोड़ी सिचुएशन अच्छी हो गई है। ये कार्ड्स अभी भी महंगे ही मिल रहे हैं और पता नहीं क्यों जनता इनको ले भी जा रही है। मतलब आई कांट अंडरस्टैंड कि वो लोग कौन है या हम उन लोग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये कार्ड्स लेना इज नॉट एट ऑल वर्थ एट दिस मोमेंट। कहां तो हम लोग अभी बैठ के 4000 सीरीज के 4060-4070 के बारे में खबरें सुन रहे हैं कि 2022 के मिड में कहीं वो लॉन्च होंगे, अब कहां तो 1600 सीरीज वाले कार्ड्स आप ले रहे हो। तो आई कांट अंडरस्टैंड कि आप लोग तीन जनरेशन पहला एक कार्ड ले रहे हो विद ऑलमोस्ट द सेम प्राइस, जहां पर आपको एक 3000 सीरीज का 3060 भी 2-4-5 हजार रुपए फालतू देके मिल रहा है। अगर आप कंपेयर करो एक 1660 Ti या 1660 सुपर की परफॉर्मेंस में एज कंपेयर टू अ 3060, जमीन आसमान का अंतर है गाइस। 180p में मक्खन है 3060। 180p में आप चाहे 100 FPS भी निकाल लो किसी भी ट्रिपल ए टाइटल में, 1660 Ti इज ऑफ नो कंपैरिजन विद द 3060। स्टिल आप लोग को मैंने ये बता दिया, अब आप अभी भी ले लो तो वो दैट इज योर चॉइस। तो अब 2022 में ग्राफिक कार्ड की क्या सिचुएशन होने वाली ये भी मैं आपको बता देता हूं। एज सिंपल एज दैट, कोई सुधार नहीं आएगा करंट जो भी ग्राफिक कार्ड मार्केट में मिल रहे हैं उनकी प्राइसेस में। 3060 आपको 60,000 के करीब ही मिलेगा, 3060 Ti अराउंड 75,000-80,000 के बीच में ही मिलेगा, और 3070, 3080, 3090 जैसे प्रीमियम कार्ड जो हैं वो तो अनटचेबल ही रहने वाले हैं। उनको आप अपने MSRP तो भूल जाओ, अभी जो करंट प्राइसिंग है उससे भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि GPU माइनिंग चाहे कुछ भी हो इट इज़ नो वे टू स्टॉप, होती ही रहेगी। चाहे कोई भी प्राइवेटाइजेशन बिल आ जाए, कोई भी क्रिप्टो करेंसी बैन आ जाए, इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप इन इंडिया। बाकी अब आप लोग बोलोगे रजत भाई, अब तुमने ये तो बोल दिया कि ये वाले कार्ड्स नहीं लेने हैं, 1660 Ti, 1660 सुपर, 2060 सुपर, ये सब नहीं लेना है, तो अब क्या लेना है? मैंने बता दिया 3060 Ti तक आप जा सकते हैं, दैट इज अप्रोचेबल। इसके अलावा जो बजट बायर्स है, जिनका बजट 20,000-25,000 रुपए तक का है या 30,000 रुपए तक का है, आई वुड सजेस्ट यू गोइंग फॉर APUs एट दिस मोमेंट। 5600G, 5700G माइट बी द राइट चॉइस फॉर यू, बट स्टिल जिनको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए वो लोग 1650 या 1050 Ti जैसे कार्ड्स के साथ जा सकते हैं। आई नो 10,000-15,000 रुपए तक भी लिए होंगे आप सबने ये कार्ड्स, बट अभी ये 20-25,000 रुपए तक की रेंज में मिल रहे हैं, दैट इज स्टिल मैनेजेबल। मतलब इतना भी नहीं लग रहा है कि यू आर ओवर किलिंग योर मनी या आप ऐसा उड़ा रहे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दीज आर एंट्री लेवल कार्ड्स। कल को अगर आप अपने कार्ड्स को एक्सपैंड करना चाहते हो, अपना बजट बढ़ाकर बिल्ड को कुछ डिफरेंट लुक देना चाहते हो, ग्राफिक कार्ड एक हाई एंड पे जाना चाहते हो, तो आप जा सकते हो, क्योंकि 20-25,000 फिर भी एक पीसी बिल्ड के हिसाब से इज नॉट अ बिग अमाउंट जो आपको पे करनी पड़ रही है
अपना एक गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है उसको लेने के लिए। इंटेल के जो एंट्री लेवल जीपीयूज हैं जिसमें आपको 6GB GDDR6 रैम देखने को मिलेगी, वो आपके अराउंड $180 के करीब में लॉन्च हो सकते हैं। तो दैट इज अ वेरी गुड प्राइसिंग। आप अगर इंडिया में भी आएंगे तो 18-20 हजार रुपए तक की रेंज देखने को मिलेगी, और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर किया जा रहा है 1650 सुपर की परफॉर्मेंस से, तो मुझे लगता है कि दैट इज नॉट अ बैड मूव अगर इंटेल बजट सेगमेंट को केटर करने की कोशिश कर रहा है। तो 6GB का कार्ड आपको मिल रहा है 20,000 रुपए तक की रेंज में, तो दैट आई थिंक इज नॉट अ गुड यू नो बार्गेन, क्योंकि जितने भी हम लोग गेमर्स लोग हैं हम लोग 4GB के कार्ड से कंपेयर करते हैं अगर हम 20,000 या 22,000 रुपए तक का बजट लेके बैठे हैं। तो वहीं पर ही अगर आपको 6GB का कार्ड मिल जाए GDDR6 वाला, तो दैट इज नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल। बाकी देखने वाली बात होगी जब ये इंडिया में लॉन्च होगा तब इसके क्या प्राइसेस रहते हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम एनवीडिया जो है अपने प्रीमियम सेगमेंट्स पर काम कर रही है, इनफैक्ट कर चुकी है, प्राइसेस भी थोड़े बहुत लीक होके आए हैं। तो अगर बात करें एनवीडिया की 4000 सीरीज के ग्राफिक कार्ड्स की, तो 4060, 4070, 4080 और 4090 वाली पूरी लाइनअप आने वाली है। बट उसमें एक कुछ खास खबर ये है, बुरी अच्छी है आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो, परफॉर्मेंस में नो डाउट देर इज अ बिग जंप 3000 सीरीज के कार्ड से, बट अगर प्राइजेस की बात की जाए तो अराउंड 10-15% का प्राइस हाइक भी देखने को मिल सकता है। अब आई डोंट नो वो जेन्युइनली प्राइस हाइक है या ग्राफिक कार्ड मैन्युफैक्चरर्स एनवीडिया या एएमडी जैसे या इनफैक्ट इंटेल भी ये मार्केट सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि चाहे वो एमएसआरपी कुछ भी बोल दें, वो प्राइजेस जितने भी मार्केट में बिक रहे हैं ग्राफिक कार्ड वो तो हाई ही होंगे। तो आई थिंक दे आर इंक्रीजिंग द एमएसआरपी इटसेल्फ, जहां पर वो कोशिश कर रहे हैं कि 10 से 15 तक का एक्स्ट्रा मार्जिन उनको मिल जाए। बट स्टिल विद हायर परफॉर्मेंसेज हो सकता है कि हायर एक्सपेंसेस भी हो, दैट इज थिंग दैट वी कांट रूल आउट। तो गाइज अगर 4000 सीसी ग्राफिक कार्ड्स की जो एक्सपेक्टेड लॉन्च प्राइस है उसकी बात करें, तो जो 4070 है वो आपको अराउंड $550 के करीब देखने को मिलेगा। अब इंडिया में आते आते वो क्या होंगे कैसे होंगे ये कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, बट उनके जो प्रीवियस मॉडल है 3070 से अराउंड 10-15% का इसमें प्राइस हाइक देखने को मिला है, अराउंड $450 से $500 का 3070 इस टाइम मिल रहा है यूएस में, बाहर की मार्केट में, इंडिया में नहीं। 4080 की बात करें तो अराउंड $900 के करीब वो लॉन्च हो सकता है, और 4090 जो है वो $2000 के करीब एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव ग्राफिक कार्ड एवर लॉन्च्ड बाय एनवीडिया। बाकी ये तो जो भी इसका लॉन्च है दैट इज इन दी थर्ड या फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2022, वो तो अभी काफी दूर है, उससे पहले तो आपको इंटेल के ही जीपीयूज देखने को मिल जाएंगे। तो अगर इंटेल एक कॉम्पिटेटिव प्राइस पे लॉन्च करता है अपने जीपीयूज, तो हो सकता है एनवीडिया के जीपीयूज भी काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव प्राइस पे देखने को मिल सकते हैं। इस सबको एक बार सम कर लेते हैं। देखो ग्राफिक का सिचुएशन अच्छी नहीं थी, अच्छी नहीं है, और आगे भी अच्छी नहीं दिखती नजर आ रही है। अब ये आपके ऊपर है कि आपकी का अर्जेंसी है पीसी बिल्ड करने के लिए। अगर आप लोग का बजट अराउंड 1.25 लाख रुपए तक का पीसी बिल्ड करने का है, 3060 इज द ग्राफिक कार्ड यू शुड गो विद। कुछ भी मत देखो, एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी। आप गेमिंग कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, स्ट्रीमिंग भी कर रहे हो, 1080p में बिल्कुल मक्खन काम होके मिलेगा आपको 3060 के अंदर। बाकी जिनका बजट कम है 1650 या 1050 Ti जैसे कार्ड्स के साथ काम चलाओ। आने वाले टाइम में हो सकता है कि अगर आप 2-3 महीने वेट भी कर लो या 4 महीने, तो आपको इंटेल आर जीपीयूज के जो 6GB के GDDR6 वाले एंट्री लेवल जीपीयूज हैं वो भी 1050 Ti वाली रेंज में देखने को मिले। बाकी इट इज योर चॉइस, जो वेट करेंगे उनको हो सकता है कि कुछ ना कुछ सबर का अच्छा फल मिले। इसके अलावा जो भी नए मॉडल्स हैं उनके बारे में हमने बात करी। अगर आपको लगता है कि मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूं कि जितने भी 4000 सीरीज के कार्ड्स हैं उसमें क्या 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 कॉन्फ़िगरेशन है, क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या उनका टेक्नोलॉजी है, क्या आर्किटेक्चर बेस्ड होने वाले हैं वो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं जरूर आई बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन की उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। इसके अलावा इंटेल के आग जीपीयूज के ऊपर भी अगर आप चाहते हो कि डेडिकेटेड वीडियो बनाओ तो कमेंट सेक्शन में बताओ। इसी के साथ गाइज आई थिंक दिस इज इट फ्रॉम माय एंड फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो गाइस, तो प्लीज हिट द लाइक बटन और शेयर कर दिया करो यार अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को यार, आपका प्यार मिलता रहना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार प्यार देना। तो इसी के साथ यू आर वॉचिंग जेटलैप टैक्टिक्स, मैं हूं रजत द्विवेदी, मिलते हैं अगली वीडियो।